सीरियल भाभी जी घर पर है में आज विभूति लगे हैं अंगूरी भाभी को कराटे सिखाने में, और वो आज अंगूरी भाभी को सिखा रहे हैं कि कैसे करे खुद का बचाव, और इसीलिए वो करवा रहे हैं अंगूरी भाभी को कराटे की प्रैक्टिस, और इसी प्रैक्टिस के दौरान वो कर रहे हैं अंगूरी भाभी के साथ फ्लर्ट। लेकिन इसी प्रैक्टिस के दौरान अंगूरी ने जड़ा जोरदार मुक्का, जिससे विभूति जी का फेस हो गया लाल। वेल, एक तरफ जहां सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के साथ विभूति जी लगे हैं फ्लर्टिंग में, वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट जब घर में एंट्री होती है तिवारी जी की, जिसके बाद विभूति को ऐसा करता देख तिवारी जी होते हैं गुस्से से लाल, और वो विभूति जी को कहते हैं कि आप यहां अंगूरी भाभी को कराटे सिखा रहे हैं, वहां पप्पू पहलवान आपकी वाइफ यानी अनीता जी को पहलवानी सिखा रहा है, जिसे सुन विभूति को आता है गुस्सा और वो तिवारी जी पर चिल्लाते हैं। तभी तिवारी जी उन्हें बोलते हैं कि अगर उन्हें यकीन ना हो तो खुद चलकर देख ले, जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल में चल रहा था अंगूरी और विभूति का सीन, जहां विभूति सिखा रहे थे अंगूरी को कराटे, और इसी सीन के दौरान विभूति जी के शूज गए फिसल और विभूति जी अचानक गिर पड़े जमीन पर, जिससे उनके फेस पर लग गया चोट। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में सेट पर सबको रियलाइज हुआ कि विभूति जी यानी टीवी स्टार आसिफ जी को सच में लग गई है चोट, जिसके बाद सेट पर सभी लोगों ने उन्हें संभाला और कुछ मिनटों के लिए शूटिंग रोकनी पड़ गई। लेकिन कुछ देर बाद आसिफ ने अपने आप को बताया ठीक और फिर शूटिंग हुई शुरू। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.